आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही सुपर टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी, और वो है स्मोक्ड पेरी पेरी चिकन रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। इस रेसिपी में मैंने यूज किया है पेरी पेरी सॉस, और इस सॉस की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही इस सॉस की रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। स्मोक्ड पेरी पेरी चिकन बनाने के लिए यहां पर मैंने 3 बड़े लेग पीस चिकन के लिए हैं, ये अराउंड 400 ग्राम्स है। साथ ही मुझे चाहिए होगा 2 टेबलस्पून पेरी पेरी सॉस, 1 टेबलस्पून धनिया और जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, नमक चाहिए होगा स्वाद अनुसार, थोड़ा फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 नींबू का रस। सबसे पहले हम हमारे चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में ले लिया है अदरक और लहसुन की पेस्ट। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 नींबू का रस। अब डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया और जीरा पाउडर, नमक ऐड करेंगे हम स्वाद अनुसार। अब इसमें मैं ऐड करूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून पेरी पेरी सॉस। अब आगे हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मैरिनेट का मसाला तैयार हो चुका है, और यहाँ पर मैंने चिकन को डीप कट्स लगा लिए हैं। तो अब मैं मेरे चिकन को इस मसाले से मैरिनेट करूंगी। चिकन पर मसाला अप्लाई करने के बाद हम हमारे चिकन को 2 घंटों के लिए ढककर मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब 2 घंटों बाद हम हमारे चिकन को बारबेक्यू पर रोस्ट करेंगे। इस तरह चिकन पर हम ऑयल अप्लाई करेंगे। और थोड़ी देर बाद इसे टर्न करेंगे। अब थोड़ी ही देर में हमारी मजेदार टेस्टी स्मोक्ड पेरी पेरी चिकन बनके तैयार हो चुकी है। आप भी जरूर एक बार ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।